वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा अपने उन दोस्तों के बारे में जिनका जन्म 4-13-22 सितंबर को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 4-13-22 सितंबर को जिन मेरे दोस्तों का जन्म हुआ है उनके बारे में आज मेरी चर्चा होगी। दोस्तों, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, कारण स्पष्ट कि आपके पास अपने जन्म का पूरा विवरण, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों चीज़ें होती हैं तो जन्म कुंडली बन पाती है। और अगर आप पास में इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का अभाव हो तो हम अपनी जन्म कुंडली को नहीं बनवा पाते दोस्तों। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं कि यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा पाए, क्योंकि आपके पास जन्म का पूरा विवरण आपने के पास नहीं है, नहीं लिख पाए उस वक्त या नहीं उपलब्ध है आपके पास, तो चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों। मेरा ये वीडियो खासकर आपके लिए है जिनका जन्म 4-13-22 सितंबर को हुआ है। आपको सिर्फ इतना ज्ञात है कि आपका जन्म 4-13-22 सितंबर को हुआ है। आपको ये नहीं ज्ञात मेरे दोस्तों कि आपका जन्म किस सन में हुआ है, आपके जन्म का समय क्या था, एक्चुअल टाइम क्या था, एक अंदाज सा है। तो इस अंदाज से दोस्तों हॉरोस्कोप कुंडली नहीं बन पाती। वहाँ दिक्कत आती है कि आप अपनी कुंडली को नहीं बनवा पाते तो फिर आपको अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा तो होती है, लेकिन जन्म कुंडली के अभाव में आप अपने बारे में जानना चाहकर भी नहीं जान पाते। तो दोस्तों चिंता ना करें, सिर्फ आपको इतना तो ज्ञात है ना कि आपका जन्म 4-13-22 सितंबर को हुआ है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरा आपके लिए है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिनका जन्म 4-13-22 सितंबर को हुआ है, मेरे सभी दोस्तों के लिए मेरी ये जो वीडियो है आपके लिए है। दोस्तों, यदि आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, मैं आपको इशारों में आपके बारे में, आपके पूरे जीवन वृत्ति के बारे में बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे से इस वीडियो में बहुत सुंदर ढंग से आपको वीडियो करके बता रहा हूँ। आपने सिर्फ बातों की गहराइयों को सुनना है दोस्तों। हर एक इंसान में अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी दोस्तों होती हैं। निश्चित तौर पर कोई भी इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। तो आपने इस वीडियो को देखने के पश्चात जो आप में अच्छाइयाँ हैं उनको बढ़ाना है, जो हमारी कमजोरियाँ हैं उस पर हमने वर्क करना है। कमजोरियाँ अपनी आपने खुद देखनी है कि क्या हैं। मैं आपको इशारा करूँगा कि आपका स्वभाव, आपके जीवन व्यवहार में कुछ ऐसा है, उसी में से आपने अपनी कमजोरियों को ढूंढना है, उस पर वर्क करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी संभव नहीं मानव के लिए जो मानव ना कर सके, वो जो इंसान ना कर सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, 4-13-22 सितंबर के मैं अपने सभी दोस्तों से बात कर रहा हूँ आज कि आप मेरे वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको मैं आपके जीवन के, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको इशारा करूँगा, और आपने उस इशारे से अपने आप को समझ जाना है कि आपका जीवन यदि आपको अपने अनुकूल लगा जैसा मैं बताऊंगा आपको, तो फिर मेरा इतना कहना बनता है दोस्तों कि आप सभी देखने वाले मेरे 4-13-22 सितंबर के जितने भी मेरे दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, और मैं आपको निश्चित तौर से इतना जरूर दिलाऊंगा भरोसा कि भविष्य में ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्योतिषीय उपाय लाता रहूं जिससे आपके जीवन में सफलता और आनंद और खुशियां भर जाएं। तो चर्चा को मैं दोस्तों आगे बढ़ाऊं। दोस्तों, मेरे 4-13-22 सितंबर के मेरे सभी दोस्त विचारों में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, विचारों में इतने अधिक स्वतंत्र होते हैं कि अधिकांश लोग मेरे 4-13-22 सितंबर के दोस्तों को काफ़ी हद तक विचित्र या सनकी तक समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4-13-22 सितंबर के मेरे दोस्त अपने विचारों में बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, और अधिकांश लोग ये इनको विचित्र और सनकी सा समझते हैं। और यदि मेरे 4-13-22 सितंबर के दोस्तों को घुलने मिलने के लिए दूसरे लोगों के साथ विवश किया जाए, या ऐसी परिस्थितियां हों जहां इन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़े,
तो फिर घुलना मिलना पड़े, तो वहाँ ये अपने आप को बहुत कठिन और परेशानी वाली स्थिति में पाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा स्वभाव होता है 4, 13 और 22 सितंबर के मेरे सभी दोस्तों का। जी हाँ दोस्तों, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, इशारे को आपने समझना है। जो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं उनको बढ़ाना है, जो हमारी कमजोरियाँ हैं दोस्तों उस पर वर्क करना है, उसे निकालना है, और हमें निकाल कर उस जगह हमें अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते हुए जीवन में चलना है। मेरा काम है कि आपको दोनों परिस्थितियों से अवगत कराऊं, जो आप में खूबियां हैं और जो आप में कुछ कमजोरियां हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, 4, 13 और 22 सितंबर के मैं अपने दोस्तों की आज बात कर रहा हूं। आप 4, 13 और 22 सितंबर के जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप आसानी से मित्र नहीं बना पाते। जी हाँ मेरे दोस्तों, 4, 13 और 22 सितंबर के जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये आसानी से दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बना पाते। आप 4, 13 और 22 सितंबर के जितने मेरे दोस्त हैं, जीवन को प्राय आम लोगों से अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अन्य लोगों या मैं कहूँ कि विशेषकर अपने परिजनों के साथ भी इनके विचार शायद बहुत कम ही मिलते हैं। ऐसा कुछ स्वभाव होता है 4, 13 और 22 सितंबर के मेरे सभी दोस्तों का। आप बहुत सुंदर इच्छा शक्ति और संकल्प वाले हैं 4, 13 और 22 सितंबर के मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, आप 4, 13 और 22 सितंबर के जितने मेरे दोस्त हैं, बहुत सुंदर इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के मालिक हैं। कुछ हद तक मैं कहूँ तो कहीं कहीं ये जिद्दी या हट्ठी भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4, 13 और 22 सितंबर के मेरे दोस्त, कई बार इनको हट्ठी या जिद्दी भी मैं कह सकता हूँ। मैं अपने 4, 13 और 22 सितंबर के दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रश्न पर वाद विवाद किए में गर्मी से फैसला बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रश्न पर वाद विवाद और गर्मी से फैसला करना नुकसानदेह होता है 4, 13 और 22 सितंबर के मेरे सभी दोस्तों के लिए। इसलिए मेरी ये इनको सावधानी के तौर पर मैंने इनके लिए कहा कि आप कभी भी शीघ्रता से और वाद विवाद में गर्मी से फैसला बिल्कुल न लें, ये आपके हित कर बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी सी मैं ये चर्चा करूं 4, 13 और 22 सितंबर के अपने सभी दोस्तों के मैरिज लाइफ की। जी हाँ दोस्तों, आपके मैरिज लाइफ की मैं चर्चा करूं तो आपकी मैरिज लाइफ तभी सुखी रहती है यदि आपका जीवन साथी आपके कार्य को और आपके विचारों को और आपकी योजनाओं को अपना लेता है। जी हाँ, यदि वो आपके योजनाओं को, आपके कार्यों को और आपके विचारों को वो अपना लेता है, तो फिर तो आपका विवाह ठीक चलता है, अन्यथा आपका विवाह से भी आपको प्रसन्नता मिल पानी। इन तिथियों के मेरे दोस्तों कि जिनका जन्म 4, 13 और 22 सितंबर को हुआ है, यदि उनका जीवन साथी उनकी योजनाओं को, उनके विचारों को नहीं अपनाता, तो फिर विवाह में सफलता मिलने में कठिनाई भी होती है। बात करूं मैं आपके आर्थिक स्थिति की। जी हाँ दोस्तों, कि आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे रुपये के मामले में आपकी स्थिति कैसी रहती है, तो मैं यहाँ निश्चित तौर पर आपको इतनी बात जरूर सलाह दूंगा अपने सभी 4, 13 और 22 सितंबर के अपने सभी दोस्तों को कि जीवन में हमेशा अकेले कार्य करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने अकेले कार्य किया तो आप आर्थिक मामले में बहुत सुंदर रूप से सफल होते हैं। कभी भी आपने पार्टनरशिप में काम नहीं करना। मेरे 4, 13 और 22 सितंबर के दोस्तों ने कभी भी पार्टनरशिप में काम किया तो आपको नुकसान होने की संभावना पूरी पूरी है दोस्तों। इसलिए आप अकेले काम करें तो आप जीवन में बहुत सुंदर रूप से आर्थिक मामले में सफल होते हैं। मेरे 4, 13 और 22 सितंबर के सभी दोस्त, मैं इन्हें एक सलाह दूंगा 4, 13 और 22 सितंबर के सभी मेरे दोस्तों को कि वो अपने अगर नीचे कर्मचारी रखते हैं अपने कारोबार में, तो वो उन पर पूरा ध्यान रखें, पूरी तौर पर उन पर यकीन करना इनके लिए हितकर नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा उन पर ध्यान निगाह रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 4, 13 और 22 सितंबर के सभी मैं अपने दोस्तों के बारे में आज बात कर रहा हूं दोस्तों।
मेरे 4, 13 और 22 सितंबर के सभी दोस्तों के बारे में मैं चर्चा करूं कि इनके स्वास्थ्य की, इनके हेल्थ की, इनका हेल्थ कैसा रहता है, तो मैं इतना निश्चित तौर पर कहूंगा कि ये डॉक्टरों के लिए एक पहली सी होती है, अकस्मात अचानक ये बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और बहुत शीघ्रता से ही ये असामान्य बीमारी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही खास बात है मेरे 4, 13 और 22 सितंबर के सभी दोस्तों के मामले में कि वो इतनी ही अच्छे ढंग से अपने आप को रिकवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 4, 13 और 22 सितंबर के सभी मेरे दोस्त बहुत आम लोगों की तुलना में अगर असामान्य बीमारी के शिकार भी होते हैं तो बहुत शीघ्रता से अपने आप को उस बीमारी से रिकवर कर लेते हैं। मेरे अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को आपने बढ़ाते जाना है, जो आपकी छोटी मोटी कुछ कमजोरियाँ हैं तो उससे आपने चित पर नहीं लाना बल्कि उस पर आपने वर्क करना है। थोड़ा अपनी लाइफ में मेडिटेशन को बढ़ाएं और थोड़ा सा मेडिटेशन को बढ़ाने से आप में एकाग्रचित्तता बढ़ेगी और दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के आप तो मालिक हैं ही हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने जीवन में अवश्य जगह दें। जी हाँ मेरे दोस्तों, 4, 13 और 22 सितंबर के मेरे सभी दोस्त अपने जीवन में गायत्री मंत्र को अवश्य जगह दें। यदि अपने जीवन में वो गायत्री मंत्र को जगह देते हैं नित्य प्रातः, तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशहाल, बहुत आनंदित बन जाता है। मेरे उन सभी दोस्तों का जिनका जन्म 4, 13 और 22 सितंबर को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं चर्चा करूं आपके जीवन के लिए वो कौन से शुभ कलर हैं जिन्हें आप जीवन में अधिक से अधिक अगर उन वस्त्रों के रंग उस रंगों के वस्त्रों को स्थान देते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत ही सुंदर और सफलता और आनंद को लाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रंग है ब्लू। जी हाँ दोस्तों, आप ब्लू, येलो, गोल्डन और ब्राउन इन रंग के वस्त्रों को यदि अपने जीवन में स्थान देते हैं, मेरे 4, 13 और 22 सितंबर के सभी दोस्तों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर और खुशहाल बना रहता है। जी हां दोस्तों, अगर आप ब्लू, गोल्डन, येलो और ब्राउन कलर के वस्त्रों को अधिक से अधिक स्थान अपने जीवन में अवश्य दें। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत आप से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।